अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने निर्मल ज्योति स्कूल के गेट पर ताला बंद कर 3 घंटे किया प्रदर्शन। दर्जनों टीचर के साथ स्कूल का स्टाफ रहा स्कूल में कैद। प्रिंसिपल सिस्टर का जलाया पुतला, पुतले पर धार्मिक क्रॉस चिन्ह बनाया और बाद में पुतले को जलाया। छात्रों से जबरन धर्मांतरण और स्कूल में व्याप्त अनियमितताओं के नियम विरुद्ध स्कूल संचालित करने के विरोध में दोपहर 12:30 बजे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महाकौशल प्रांत सह संयोजक सावन सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने निर्मल ज्योति स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगाकर 3 घंटे तक भारी विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से दर्जनों स्कूल टीचर तथा स्कूल का स्टाफ स्कूल के अंदर बंद रहा। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले छात्रों की शिकायत पर बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने निर्मल ज्योति स्कूल का निरीक्षण किया था। छात्रों द्वारा की गई शिकायत सही पाई गई और जांच के दौरान एक अविकसित भ्रूण लैब में रखा मिला था, जिसे प्रशासन ने जब्त कर जांच के लिए भेजा गया तथा जांच के दौरान उक्त भ्रूण मानव भ्रूण निकला। लेकिन प्रशासन द्वारा स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं करने से भड़के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रबंधक, स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्कूल प्रिंसिपल का पुतला फूंका। पुतले पर जहां प्रिंसिपल का नाम लिखा था तो वहीं पुतले पर ईसाई समाज का क्रॉस का निशान भी बना था। 3 घंटे बाद पहुंचे एसडीएम को 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपकर और 1 हफ्ते में स्कूल प्रबंधक पर कार्रवाई कराने के एसडीएम के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। वंदे भारत से राजेंद्र गौतम की रिपोर्ट। इंसाफ हमें लग गया धक्का दिन बंद करो, बंद करो, फटक लगा, बंद करो, बंद करो, बंद करो, शांति अरे सब बच्चा तो बाहर हो गए, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।